वायरस का संक्रमण रोकने के साथ साथ संक्रमित व्यक्तियों की जांच करने के लिए सरकार के सुझाव के अनुसार क्षेत्र के सभी जिलों में निवारक उपायों को तेज किया गया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नागपुर समेत जिला स्तर पर अलगीकरण के लिए 817 तो विलगीकरण के लिए 220 बेड तैयार किए गए हैं। ऐसी जानकारी आरोग्य उपसंचालक डॉक्टर संजय जायसवाल इन्होंने दी है। कोरोना वायरस के बारे में नागपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और जिला स्तर पर मेडिकल विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में इलाज और के लिए व्यवस्था बनाई गई है। आशा कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, नर्सों, विशेषज्ञों के साथ साथ सभी चिकित्सा अधिकारियों को संक्रमण रोकने के लिए सूचित किया गया है। मेडिकल कॉलेज में कोरोना के संबंध में एक स्वतंत्र व्यवस्था की गई है। इसके तहत 420 बेड उपलब्ध कराए गए हैं। वर्धा जिले में 100, भंडारा जिले में 60, गोंदिया जिले में 20, चंद्रपुर में 156 और गढ़चिरौली में 61, ऐसे कुल मिलाकर 817 बेड है। इसके साथ ही आइसोलेशन के लिए 220 बेड आरक्षित है। इनमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 70 तो मेयो में 60 बेड का समावेश है। साथ ही आवश्यकता अनुसार निजी अस्पतालों में 1661 आईसीयू बेड भी उपलब्ध कराए गए हैं। कोरोना के चलते कई संदिग्ध हो सकते हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग संबंधित कर्मचारियों को सभी सेवाएं चलानी आनी चाहिए। इसके तहत वेंटिलेटर को संभालने के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध होनी चाहिए। तदनुसार सरकारी मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टरों के मार्गदर्शन में वेंटिलेटर प्रशिक्षण शुरू किया गया है। BS क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।